देख सकते हैं बीट के साथ पूरा सिंक है। जितना भी बीट्स है बीट्स के साथ आ रहा है, यहाँ पे मैंने मार्कर क्रिएट किया है, हम लोग इसको सिंक कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं एक न्यू सीक्वेंस लूंगा, ठीक है। कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं आप लोग, मैं सीक्वेंस ले रहा हूँ, रील से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो ऑलवेज सेटिंग्स में जाके कभी भी आप क्रिएट कर रहे हो प्रीमियर प्रो में प्रोजेक्ट फाइल्स या फिर सीक्वेंस, कस्टम पे ही रखिए। और मैं इसका चेंज कर देता हूँ 1080x19, ओके, स्टैंडर्ड साइज ऑफ रील्स, ओके। सो इसमें क्रिएट कर देता हूँ और इसका मैं सीक्वेंस यहाँ पे रख रहा हूँ फुटेज 30 फ्रेम सेकेंड। अभी मैं बताऊँगा क्यों रख रहा हूँ 30 अभी, क्योंकि 29 भी रख सकते थे, 29.37, ओके प्रेस करता हूँ। और सेम थिंग मैं इसी सॉन्ग को लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे लेके आके हम लोग का यहाँ पे रील्स में मैं डाल रहा हूँ। और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बीट्स है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज मार्कर डाल के हम लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। और अदरवाइज एक एक क्लिप को, जितना भी क्लिप्स है ना यहाँ पे, मैंने स्क्रीन शॉट लिया है जो की रैंडमली कुछ यूजफुल टिप्स था वेबसाइट के लिए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आर्ट होम करते हुए ऑप्शन, एक एक वन बाई वन हम लोग एक सीक्वेंस में रखेंगे। लाइक एम प्रेस करता हूँ, ये क्लिप में है, हम लोग को क्लिप में नहीं चाहिए, और सीक्वेंस में। सीक्वेंस में मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे टाइमलाइन दिखाई दे रहा है इस एरिया पे, इसमें रह जाता है। तो इसको हम लोग इजी वे से क्रिएट करेंगे। एम प्रेस करूंगा यहाँ पे, ठीक है, कीबोर्ड पे जितने भी, और सीक्वेंस बाई ऐसे क्रिएट कर सकते हैं और आप प्ले करके भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं वीडियो भी स्किप कर देता हूँ यहाँ पे, पहले हम लोग को मार्कर क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग का बीट्स खत्म हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा मार्कर डाल दिया, और इस पूरा मार्कर में हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्लिप को यहाँ पे डालेंगे। लेकिन अगर हम लोग मैन्युअली करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करिए आप अपना क्लिप्स एंड शिफ्ट आल्ट और ऑप्शन होल्ड करके पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि पूरा ये सेलेक्ट हो जाएगा क्लिप। मैं छोटा करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं पूरा क्लिप सेलेक्ट हो गया है। एंड मेरे को ये नहीं चाहिए, तो यहाँ से लेके शिफ्ट भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको पूरा सेलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे, और इसमें क्या होता है, ऑटोमेट टू सीक्वेंस। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिप में जाके ऑटोमेट सीक्वेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेट सीक्वेंस करते हैं, और यहाँ पे एक किस्म का एक पॉपअप ओपन होगा, जिसमें आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना है, सेलेक्ट टू ऑर्डर पे रखना है, और एट अननंबर्ड मार्कर्स, मतलब जितने भी अनलिमिटेड मार्कर्स है उसमें रहेगा। और यहाँ पे देखिए ओवरराइट रहता है, ओवरराइट में ही रहना है। इंसर्ट किया तो क्या होता है कि जहाँ पे हम लोग क्लिप डालने वाले हैं ना, दिखा देता हूँ, इस तरीके से एक कट होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अंडू कर देते हैं, फिर मैं यहाँ पे सीक्वेंस में जाता हूँ। इंसर्ट नहीं करना है, क्या करना है, ओवरराइट। देखिए वहाँ पे मैंने क्या किया था, सीक्वेंस में 30 फ्रेम्स रखी हूँ, क्योंकि 30 फ्रेम्स रखने का फायदा रहता है कि जल्दी जल्दी सिंक हो जाता है। 29.37 रखेंगे तो थोड़ा सा फुटेज स्टक होके ग्लिची टाइप का एक हो जाता है। इस तरीके से ओके प्रेस करते हैं। देखिए बिट के हिसाब से ये पूरा क्लिप्स को रख दिया है, और ये ज्यादा क्लिप हो गया तो ऑब्वियसली ओवरराइड हो जाएगा। तो इसको देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से बीट के साथ सिंक हो गया। इसी तरीके से आप अपना म्यूजिक को सिंक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से बीट को सिंक हो गया, और यहाँ पे बैकग्राउंड पे भी कुछ भी रख सकते हैं। इसी तरीके से आप भी अपने क्लिप्स को सिंक कर सकते हैं म्यूजिक के साथ विथ वन क्लिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी तक आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।